सिंह राशि के जातकों, वर्ष 2021 की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। हम लाए हैं आपके लिए वर्ष 2021 का राशिफल। इस राशिफल में हम आपके जीवन के मुख्य पहलुओं से जुड़ी छोटी बड़ी अनेक भविष्यवाणियां लेकर आए हैं। इन भविष्यवाणियों की मदद से आप जान पाएंगे कि इस साल आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका करियर कैसा रहने वाला है, और साथ ही आप जान पाएंगे कि यह साल आपके आर्थिक मामलों व निजी जीवन के लिए कैसा रहेगा। इतना ही नहीं, आपके लिए हम सरल से सरल उपाय भी बता रहे हैं जिन्हें आप कठिनाइयों व परेशानियों से मुक्ति के लिए प्रयोग में ला सकेंगे। आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित है, आपकी दशाओं के अनुसार परिणामों में कुछ अंतर हो सकता है। दशाओं आदि के बारे में कुंडली दिखानी हो तो एक बहुत ही छोटी सी फीस जमा करके आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य की। सिंह राशि वालों, इस पूरे वर्ष कर्म फलदाता शनि आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यहां पर वह अपनी ही राशि में होंगे, अतः सामान्य तौर पर शनि ग्रह आपको किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या से बचाने का प्रयास करेंगे, बसरते आप संयमित दिनचर्या वाले व्यक्ति हों, क्योंकि शनि संयमित और मर्यादित व्यक्ति को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं बल्कि फायदा पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन साल के कुछ महीने में, जैसे कि जनवरी से लेकर मार्च तक और 14 सितंबर से 20 नवंबर तक, शनि अष्टमेश बृहस्पति के साथ युद्ध करेंगे, तो ऐसी स्थिति में वह आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकते हैं। अर्थात इस वर्ष आपको पूर्णतः अनुशासित, मर्यादित और संयमित दिनचर्या को अपनाना होगा, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। विशेषकर यदि आपको पेट या गुर्दों की कोई समस्या है तो बेहद संयमित दिनचर्या अपनानी होगी। हालांकि 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच तथा 20 नवंबर के बाद जब बृहस्पति आपकी लग्न या राशि को देखेंगे, तब स्वास्थ्य संबंधी किसी बड़ी समस्या के आने का भय नहीं रहेगा। अर्थात साल 2021 आपके स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। बेहतर होगा यदि आप संयमित और मर्यादित रहें तो आपको फायदा ही फायदा है। ऐसे में आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं होगी। आइए जान लेते हैं कि साल 2021 आपके शिक्षा संबंधी मामलों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों, शिक्षा संबंधी मामलों में साल के शुरुआती महीने कुछ कमजोर रह सकते हैं, खासकर जनवरी से लेकर मार्च के बीच और 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच। इन दो ड्यूरेशंस में बृहस्पति नीच के रहेंगे, जो आपके पंचमेश हैं। स्वाभाविक है, बुद्ध स्थान का स्वामी नीच का हो तो कई बार हम परीक्षाओं में अपनी योग्यता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अर्थात जिन दो समय अवधियों, ड्यूरेशंस की मैंने बात की है, उन अवधि में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी। खासकर जो विद्यार्थी विदेश में रहकर अध्ययन कर रहे हैं या घर से दूर रहकर अध्ययन कर रहे हैं, उनको और अधिक मेहनत की जरूरत रहेगी। चतुर्थ भाव में राहु केतु का प्रभाव भी आपके कंसंट्रेशन को कम करने का कारण बन सकता है। लेकिन 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर के बीच तथा 20 नवंबर के बाद जब बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो वह आपके लाभ भाव को देखेंगे, आपके प्रथम भाव को देखेंगे तथा आपके तीसरे भाव को देखेंगे। ऐसे में आपकी अंतः प्रज्ञा मजबूत होगी और आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। अर्थात साल 2021 कर्मठ और मेहनती विद्यार्थी को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देगा। इसके विपरीत लापरवाही या आलस्य दिखाने की स्थिति में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अतः मेहनत करिए और अच्छे परिणाम अर्जित करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम आपके जीवन से जुड़े सभी मुख्य पहलुओं पर अलग अलग वीडियोस बनाने की सोच रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम बना पाए, जिसमें हम आपके किसी एक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जब भी वह वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा देंगे। आइए जानते हैं कि साल 2021 आपके कार्य क्षेत्र के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, आपके कर्म स्थान पर पूरे वर्ष पर्यंत राहु विराजमान रहेंगे, साथ ही बृहस्पति की गोचरीय दृष्टि भी जनवरी से मार्च के बीच तथा 14 सितंबर से 20 नवंबर के बीच आपके कर्म स्थान पर रहेगी। स्वाभाविक है कि ऐसे में आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिलना चाहिए। इसके बाद का जो भी समय बचता है, उस अवधि में बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर गोचर करेगा। यह भाव आपके दशम से दशम भाव होता है, अर्थात यहाँ से भी हम कार्य क्षेत्र का विचार करते हैं, किंतु विशेषकर व्यवसायियों के लिए करते हैं। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि जनवरी से मार्च तथा 14 सितंबर से 20 नवंबर के बीच का जो समय है, इसमें नौकरी पेशा लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। वहीं अप्रैल से 14 सितंबर और 21 नवंबर के बाद व्यवसायियों को ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस तरह हम पाते हैं कि सामान्य तौर पर बृहस्पति का गोचर
आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम देता रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हम आपके जीवन से जुड़े जो जितने भी मुख्य पहलू हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, आर्थिक पक्ष, पारिवारिक जीवन, पर्सनल लाइफ, इन सब पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियोस आपको अपलोड होते ही तुरंत मिलें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दीजिए। आइए जानते हैं कि साल 2021 आपके आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, आपके आर्थिक पक्ष की बात करें तो साल 2021 इस मामले में आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस साल अच्छी कमाई होने के भी योग हैं, तो खर्चे भी खूब हो सकते हैं। ऐसे में आमदनी और खर्चे बराबर रहने की संभावना बन रही है। बृहस्पति का गोचर साल के आधे समय आपके धन और खर्च दोनों भावों को देखेगा, फलस्वरूप आमदनी और खर्चे बराबर रह सकते हैं। लेकिन 6 अप्रैल से 14 सितंबर और 22 नवंबर या 21 नवंबर के बाद जब बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में होगा, तो वह आपके लाभ भाव को देखेगा। स्वाभाविक है कि उस समय लाभ की मात्रा अधिक होगी और खर्चे कम हो सकते हैं। अर्थात साल 2021 मिला जुला किंतु औसत से थोड़ा बेहतर परिणाम दे सकता है। आइए जानते हैं कि साल 2021 सिंह राशि वाले लोगों के निजी जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, पूरे वर्ष पर्यंत केतु आपके चतुर्थ भाव में रहकर गृहस्थ जीवन में कुछ तनाव देने का काम कर सकता है। अर्थात घरेलू परिस्थितियां कभी कभार कमजोर हो सकती हैं। पारिवारिक मामलों में भी लगभग ऐसे ही इसी तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दाम्पत्य संबंधी मामलों में आपको सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। विशेषकर अप्रैल से सितंबर के बीच तथा 20 नवंबर के बाद निजी जीवन में काफ़ी हद तक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। यही परिणाम संतान संबंधी मामलों में भी अथवा प्रेमी या प्रेमिकाओं के लिए भी मिलने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपका पंचमेश है जो प्रेम और सगाई तथा दाम्पत्य संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साल की शुरुआत अर्थात जनवरी से मार्च के बीच तथा 14 सितंबर से 20 नवंबर के बीच बृहस्पति नीच का रहेगा। इन संबंधों में ये कमजोरी दे सकता है इस कारण से। लेकिन इसके अलावा जो भी बाकी का समय अर्थात 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तथा 21 नवंबर के बाद का जो समय है, वह सामान्य तौर पर प्रेम, विवाह, सगाई व संतान संबंधी मामलों के लिए अनुकूलता संजोए हुए रह सकता है। हम आपके जीवन से जुड़े तमाम मुख्य बिंदुओं को लेकर अलग अलग वीडियो बनाने की सोच रहे हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करने की सोच रहे हैं। अतः आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा सकते हैं, जिससे कि जब भी वीडियोज़ अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2021 अगर किसी तरह की कोई परेशानी देता है तो उनसे बचने के क्या उपाय हैं, उन्हें परेशानियों को कैसे उन परेशानियों को कैसे नियंत्रित किया जा सकेगा। उपाय के रूप में हम आपको मंदिर के पुजारी के लिए पीले कपड़े दान करने का सुझाव देना चाहेंगे। अर्थात संभव हो तो प्रत्येक तीसरे महीने किसी भी धर्म स्थल के व्यवस्थापक या पुजारी आदि को आप पीले कपड़े दान कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें तथा प्रत्येक चौथे माह के अंतिम शनिवार को बहते हुए जल में 400 ग्राम बादाम बहाएं। तो उम्मीद है आपको इस राशि फल के माध्यम से अपने साल को प्लान करने में मदद मिलेगी और आप बेहतर करेंगे। आप सभी को साल 2021 की अग्रिम शुभकामनाएं। भगवती सबका कल्याण करें। जय माता। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।